क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृ शक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो विचारधारा, आपका जो चिंतन, आपका जो थॉट्स है जो गलत दिशा में जा रहे हैं, आपकी सोच गलत बन गई है, तो गलत सोच बनने से आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो आपका रास्ता सही करते हैं हम, करेक्शन देते हैं हम, आपको दृष्टि का विज्ञान देते हैं आपको, जो जैसी एक अच्छी दृष्टि देते हैं तो जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बन जाती है। तो यही हमारा मुख्य सिद्धांत है जो हम एपिसोड्स के माध्यम से आपको देते हैं। और हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर जो है वो सेंटर के अंदर आत्मा को रखा जाता है, और जहाँ पर सेंटर में आत्मा होती है तो सारा चिंतन ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, क्यों? आत्मा गुणों का पुंज होता है। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, वो व्यवहार जगत का चिंतन है। वो है कि व्यवहार कुशलता एक सामाजिक गुण है। भाई और बहनों, बहुत अच्छा विषय है, और जो व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है वो अच्छा व्यक्ति बना जाता है, गिना जाता है। हमारे सामने दो तरह के संसार है, एक तो हमारा बाह्य जगत होता है जो आंखें खोल करके पांच इंद्रियों से जिस जगत को हम जीते हैं वो हमारा लौकिक जगत है, हमारा बाह्य जगत है। और एक जगत होता है आंख बंद करके हम भीतर की ओर झांकते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत जगत होता है, वो आध्यात्मिक जगत होता है। तो हमारा आंख है, उसके बीच के अंदर एक कहना चाहिए डिमार्केशन, लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। आंख खुली आप लौकिक जगत में चले गए, और आंख आपने बंद करी तो भीतरी आध्यात्मिक जगत में चले गए। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो आज हम व्यवहार जगत की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार जगत भी आता जो है हमारे निश्चय जगत से आता है। भीतर का जो जगत है वो निश्चय जगत है, बाहर का जगत है वो व्यवहार जगत है। इन दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के सिक्के के पहलू है। भीतर से बाहर आता है और बाहर से भीतर जाता है, तभी जा करके ये होलिस्टिक होता है। तो व्यवहार में जो आता है वो निश्चय से आता है। तो अब हम व्यवहार कुशलता कैसे हो और ये गुण कैसे प्राप्त करें, ये गुण बहुत बड़ा गुण है, ये हम जो कुछ उदाहरणों के द्वारा, हम चिंतन के द्वारा इसको प्राप्त करेंगे कि व्यक्ति व्यवहार कुशल कैसे बनता है। हर व्यक्ति व्यवहार कुशल बनना चाहेगा, तो कुछ टिप्स है और कुछ जो गुण है वो हम देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात है, व्यवहार कुशलता का पहला गुण है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता को जो बिगाड़ने वाला है वो ईगो होता है। ईगो होता है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा करता है, और वो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता है, उसकी बातों से एकदम मालूम पड़ जाता है। क्योंकि जो व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा वो दूसरे को आदर देगा, और जब व्यक्ति के अंदर जो है ईगो नहीं है, व्यक्ति में अहंकार नहीं है, तो वो उसको अपने समान समझेगा, अपने आत्मतुलावत समझेगा। वह समझेगा कि जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी आत्मा सामने वाले व्यक्ति जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ उसके साथ भी वैसी आत्मा है। वह उसको दोषी नहीं मानेगा, उसको निर्दोष मानेगा। जहाँ निर्दोष दृष्टि होगी वह व्यवहार कुशल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहला जो व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो गुण है वह अहंकार, व्यक्ति को अहंकार को पास भटकना नहीं चाहिए। अहंकार होते ही शुद्धि हो जाती है, और वह व्यक्ति जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वह व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, वह व्यक्ति अव्यवहार कुशल हो जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देखूँ कि कोई व्यक्ति ईगो वाला है, तो किसी बेचारे सामान्य व्यक्ति ने उसको फोन किया कि कृपया मेरा ये काम है करवा दीजिए, तो उस व्यक्ति को वो झटकने लग जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं है मैं कितना बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति हूँ, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, और आप जो है मेरे से बात कर रहे हो, कि आपको तमीज है क्या कि आप क्या जो है आप इतने बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हो क्या। इस तरीके से उलझुलूज रूप से जो उस व्यक्ति को तिरस्कृत करने लग जाता है, तो इसका मतलब व्यवहार कुशल नहीं है,
उसका दूसरा रूप देखिए। अगर व्यवहार कुशल व्यक्ति है और किसी ने फोन किया है, एक्स वाई जेड ने फोन किया, तो बड़ा प्रेम से बोलेगा, आप कौन बोल रहे हैं, आप किसको क्या कार्य है। तो उसके उसको जो ही आपने उसको प्रेम के भाव बताए तो व्यक्ति समझ जाता है कि आदमी बहुत कल्चर्ड है, आदमी बहुत व्यवहार कुशल वाला है। फिर वो आपकी बात को सुनेगा और सुनने के बाद के अंदर वो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। दूसरा जो सूत्र है, व्यवहार कुशल व्यक्ति जो है, जो पजल सामने आ रही है, जो समस्या सामने आ रही है, उस समस्या को जो है उसका हल निकालने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, तो कोई भी कार्य होता है, कोई भी चीज़ उसको उलझाते हैं, उसको इतना उलझा देते हैं कि वो सुलझ नहीं पाती। कैसे नहीं पाती है? मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो उस संस्था के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मान लीजिए उस संस्था का अभी भवन नहीं है और वह संस्था जो राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है, तो उस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के अंदर ये प्रस्ताव आया कि हमारे संस्था का भवन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी दलील दी गई है कि जहाँ भवन होगा हमारा कार्यालय होगा और हमारे लोग आएंगे, वो बैठेंगे, अधिवेशन करेंगे, बात करेंगे, रुक भी सकते हैं, वहाँ कमरे भी होंगे, सब सुविधा मिलेगी। तो जो है पॉजिटिव थॉट वाले तो कहते हैं ये करो, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का है और पूरे देश के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और नेगेटिव थॉट वाले वो होते हैं, वो ये कहने लग जाते हैं ये तो कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, और सारी सारी नेगेटिव बातें करके और जो इस प्रस्ताव को भंग कर देते हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट वाला है बहुत संकुचित सोचता है, पॉजिटिव थॉट वाला बहुत बड़ा सोचता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दूं कि वर्तमान के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वो 100 साल के आगे भले की बात सोचते हैं, उनके दिमाग में शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों तरह की है, इसीलिए वो व्यवहार कुशल है। वो उनके चिंतन में हर सबसे पहले तो वो व्यवहार कुशल इतने हैं, अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं कि मैं भी जैसे दूसरे तरीके ग्रास रूट व्यक्ति हूँ, वैसा ही व्यक्ति हो, रियल दृष्टि में सोचते हैं, अपना पुराने भविष्य को देखते हैं, पुराने जो है भूतकाल को देखते हैं कि मैं तो उसके जो हमने उनकी जीवनी पढ़ी कि वो RSS ऑफिस के अंदर झाड़ू भी लगाते थे, चाय भी बनाते थे और आडवाणी जैसों की सेवा भी करते थे, तो उस स्थिति को देखते हैं, मैं तो सामान्य से उठा हुआ, ग्रॉस रूट से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। तो जो व्यक्ति मेरे से अगर सामान्य व्यक्ति बात करता है, तो वो मैं भी उसके जैसा हूँ, उसकी कोई समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। तो वो तो अपना देश आगे कैसे बढ़े, देश के अंदर क्या क्या समस्या है उसका समाधान ढूंढने का हर क्षण जो देखते हैं, तो वो एक रोल मॉडल है आज हमारे सामने। उन्होंने हमारे भारत की कितनी तरक्की की है और भारत का जो है धर्म गुरु देश था, उस देश को धर्म गुरु बनाने के लिए उन्होंने जो 22 जून को जो है अभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाया, और 2 अक्टूबर को जो है वो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये उनके खुद के व्यक्तिगत प्रयास है, यानी वो देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। देश की जो हमारी गिरी हुई जो है वो धर्म गुरु की जो ख्याति, उसको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग क्या होते हैं, सोल्यूशन माइंडेड होते हैं। व्यवहार कुशल व्यक्ति हमेशा सॉल्यूशन माइंडेड होगा कि जो कुछ भी तकलीफ समाज में आ रही है, परिवार में आ रही है, तो इस समस्या का समाधान कैसे हो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम अपने परिवार की बात करें, व्यवहार कुशल आदमी है तो वो परिवार के अंदर जो है देखते हैं कि वो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो व्यवहार कुशल आदमी घर का मुखिया है तो वो क्या सोचेगा, सबके बायोडेटा है तो अपने जो है पारिवारिक गण उनके पास में बैठेगा कि ये हमारा पोता है, ये मेरा जो है मेरी पोती है, तो इस तरीके से उसके लिए वर ढूंढो, और वो हर एक से दिल खोल के बात करेगा, समय लगाएगा और पुनः उनसे बात करेगा कि आपकी किन किन से बात हुई, उनके सामने वाले के बायोडेटा मंगाएगा। और उसके अलावा जो बायोडेटा आने के बाद में आजकल व्यक्ति जो है हर एक है वह जो है वो 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 जो है वो व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड देखता है। आजकल जो है किस व्यक्ति के पास में कितना पैसा, कितना धन दौलत, कितना बैंक बैलेंस है, अच्छी बात है,
वो तो देखना ही चाहिए, लेकिन खास तौर से वह परिवार है, उसका रहने का कैसा स्थान है, एकोमोडेशन कैसा है, किस तरीके से जीते हैं, उस परिवार के अंदर कैसा सामंजस्य है, लिविंग स्टैंडर्ड में सारी बातें आती है, जीने का ढंग, और उनके पास में जो भौतिक सुविधाएं भी होनी चाहिए, उनके पास के अंदर पैसे का रोजगार का भी मतलब कमाई भी होनी चाहिए, ये सारी, और दूसरा उनके जो सदस्यगण है उनके बीच में कैसी ट्यूनिंग है, तालमेल कैसा है, वो सारा देखा जाता है। तो वो भी जो सुधार करने के लिए वो अपने पारिवारिक सदस्यों को राय देगा, व्यवहार कुशल के जो है तुम इसमें सुधार करो, तो जब वो राय देगा तो निश्चित तौर से सुधार होता है। तो इस तरीके से वो व्यवहार कुशल होकर के वो व्यक्ति जो है अपने घर के जो भी सभी तरह के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से सेटल कर देगा, सेटल करने की प्लानिंग बनाएगा, और प्लानिंग बड़ी चीज़ होती है। काम करने वाले तो उनके बेटे वगैरह सब करते ही है, लेकिन प्लानर होता है वो बहुत बड़ी बात होता है, प्लानर होता है वो लीडर होता है, और लीडर होता है युग होता है, युग युग दृष्टा होता है, और वो व्यवहार कुशलता से संभव है। तो भाई और बहनों, हमने दो सूत्रों को बताया, पहला तो उसमें अहंकार की निम्नता होनी चाहिए, और दूसरा जो हमने ये बताया कि व्यक्ति के अंदर जो है वह एडजस्टिंग नेचर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, व्यवहार कुशल बनने के लिए व्यक्ति तो एडजस्ट एवरीवेयर, उसको हर परिस्थिति में एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर घर के अंदर वो है और उसको खाने पीने में कुछ सामग्री में कमी रह गई तो भी एडजस्ट कर लिया, कपड़े में कमी रह गई तो वो भी एडजस्ट कर लिया, किसी घर के सदस्य ने कोई गाली और कैसा बुरा बर्ताव किया वो भी सहन कर लिया, उसकी जो है वो एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। और अगला गुण व्यवहार कुशल बढ़ने के लिए कि व्यक्ति में व्यवहार सहनशीलता बहुत होनी चाहिए। कि देखिए, कुछ जो व्यक्ति बुजुर्ग होता है, सीनियर सिटीजन होता है, 60+ का होता है, तो वह घर में भी जो है वो वंदनीय स्तुतीय पूजनीय होता है, समाज में भी वो पूजनीय होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ समाज के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि उसको बुरा कहने वाले होते हैं, तो उसको जो है वो दोनों को एक समान समझना पड़ेगा, चाहे उसका कोई तिरस्क, उसके अंदर जो उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, उसमें मादा होना चाहिए कि किसी ने बुरा कह दिया कोई बात नहीं, अपना सुधार करना चाहिए, निंदक निहारे राखिए, तो उसको जो निंदक को भी अपने पास रखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मेरा सुधार कर रहा है, तो इसीलिए उसको उस दृष्टि से उसको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई तिरस्कार करे, तो उसमें उसकी सहन शक्ति जो है होनी चाहिए। और व्यवहार कुशल व्यक्ति के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। देखिए, त्याग की भावना ऐसी होती है कि उससे व्यक्ति जो है सबको जोड़ देता है। हम जो है संयुक्त परिवारों की बात करें तो हमारे आज से 40-50 साल पहले, कुछ समय पहले जो है 100-100 लोगों के परिवार तीन तीन चार चार जनरेशन एक साथ रहा करते थे। ये कारण क्या था? उनमें सहनशीलता थी हर सदस्य के अंदर, और उसमें सेक्रीफाइस की भावना थी, सबको जो है बराबर यथासंविभाग मिलता था, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पावरफुल है या बड़ा है तो वो सबका हिस्सा, बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा कमरा है, अच्छी चीज़ है तो सारा उपभोग हुआ कर दे, और दूसरे के लिए वो स्पेयर नहीं करे तो वो स्वार्थी हो जाता है और त्याग वृत्ति वाला होता है। त्याग वृत्ति करने से सबको समान रूप से हर चीज़ मिल जाती, सभी खुश रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को सेक्रीफाइस की जो है नेचर होनी चाहिए। सेक्रीफाइस की नेचर वाला व्यक्ति जो है वो व्यवहार कुशल हो जाता है। व्यवहार कुशलता का अगला सूत्र, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। व्यक्ति के पास में विजन होना चाहिए और सबसे काम लेने की कला होनी चाहिए। सबकी काम वो ले लेता है तो सबसे बड़ी जो टीम स्पिरिट में कला क्या हो जाती है, उसका जो यश मिलता है वो सब में बांटना चाहिए। वो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी वजह से ये काम सफल हुआ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सफलता सब में बांटनी चाहिए। उसकी जबान पर कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी वजह से सफलता हुई, हर क्षण उसको कहना चाहिए कि मेरे पास टीम अच्छी है, उन टीम के लोगों ने अच्छा कार्य किया, ये सारी क्रेडिट है वो टीम के लोगों को जाती है। तो जहाँ टीम वर्क होता है वहाँ पर जो है कुशलता ऑटोमेटिकली आती है, और जो
टीम का जो मेन जो है कप्तान होता है वह व्यवहार कुशल तभी गिना जाता है जो उसमें टीम स्पिरिट होती है, तो टीम खुशी खुशी उसके साथ काम करना चाहेगी। तो ये जो है सूत्र है, हम आगे जो है चलते हैं कि व्यवहार कुशल व्यक्ति के अंदर जो है कमिटमेंट्स का पक्का होना चाहिए। व्यवहार कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट्स करे तो सोच समझ के करना चाहिए। कमिटमेंट का कैसे है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है व्यापारी है और उस व्यापारी व्यक्ति ने जो है वह सोच वह उसको कहता है कि भाई फला तारीख को मेरा इतना पेमेंट हो जाना चाहिए, तो वो थोड़ा पहले चिंतन करे। मतलब जो व्यवहार कुशल व्यक्ति होगा वो तो तीन फॉर्मूले उसको पालन करने चाहिए, चिंतन, मनन और निध्यासन। किसी ने कहा भाई मैं वो उसने फोन आया कि मेरा ये पेमेंट इतना इतने समय होना चाहिए, उसने कहा 5 मिनट में जवाब देता हूँ, फिर वो 5 मिनट में चिंतन करेगा, मनन करेगा, निध्यासन करेगा कि मेरे पास में क्या क्या कमिटमेंट पहले पूरे करने के लिए और फंड कहाँ से आएगा, ये चिंतन करता है। फिर मनन करता है कि इतना पैसा वहाँ से आना, ये लिस्ट बनाता है, और फिर निध्यासन करता उसको एग्जीक्यूशन में डालता है कि इतना पैसा उसको देना, इतना उसको देना, उसको फला तारीख को देना। फिर ये निष्कर्ष निकाल देता है कि सप्ताह भर के बाद में मैं उस पार्टी को जो है पेमेंट कर सकता हूँ। तो वापस वो चलाकर फोन करता है कि 1 सप्ताह के बाद में आपका जो चेक मिल जाएगा या आपका चेक आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा इतना रुपया। अगर वो कहता कि नहीं मेरे को तो पूरा मिलना चाहिए, तो कहेगा अभी 50% फला तारीख को आपके खाते में आ जाएगा, बाकी थोड़ा अगले समय में करेंगे। और उस निश्चित समय पर पैसा चला जाता है क्योंकि डेट लिखी रहती है, वो प्लानर है और प्लानर के साथ साथ के अंदर वो कमिटमेंट वाला व्यक्ति है, वो हो जाता है। तो सामने वाला व्यापारी समझते हैं ये अच्छा व्यक्ति है, व्यवहार कुशल व्यक्ति है, तो उसका बिजनेस बढ़ता है, व्यवहार कुशलता वाले व्यक्ति का वर्क बढ़ता है। जो किसी भी रैंक का हो उसका व्यवहार कमिटमेंट से व्यवहार, अगर झूठे वादे किए और वो वादे तोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता है। इसीलिए आदमी को जो है कमिटमेंट का पक्का रहना चाहिए। और उसके अलावा व्यवहार कुशलता के गुण क्या है कि जीवन में सादगी आनी चाहिए। जो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं रखता है, बहुत ज़्यादा डिमांड रखता है, तो उसका वो उसका सारा समय भी जो है अपने आप को संवारने में चला जाता है, और वो कोई चीज़ नहीं मिलती है और किसी निश्चित समय पर कोई कार्य करना होता तो वो टाइम मैनेजमेंट से चूक जाता है, क्योंकि वो तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए चला जाता है, अच्छे कपड़े पहनने में चला जाता है या रेस्ट के अंदर नींद में ज़्यादा समय निकाल लेता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी ये आदमी का एक व्यवहार कुशल व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है कि किस समय में क्या कार्य करना चाहिए, उसे अपने जो है वो जीवन के हर कार्य को टाइम के साथ जोड़ देना चाहिए, और पूरा जो है सूर्योदय के उठने से जो है सोते समय उसे असाइनमेंट और प्रायोरिटी ये बनाना चाहिए कि आज मुझे जो है ये कार्य करने हैं और निश्चित हो जाने चाहिए, ये कार्य प्रॉपर, ये जो कार्य जो प्रायोरिटी के हैं पहले किए जाने चाहिए, और ये हो सकता टाइम से, तो वो उसका टाइम चार्ट बना देता है अपने दिमाग में या कॉपी में डायरी में लिख करके कि इतने समय पर ये कार्य करना है, इतने समय पर ये हॉस्पिटल जाना है, या बच्चे को जो है पढ़ाना है, या बच्चे को लेने के लिए जाना है, या फैक्ट्री जाना है, ये कार्य करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के अनुसार जो व्यक्ति जो है और असाइनमेंट और प्रायोरिटी के अनुरूप जो सारे कार्य निपट जाते हैं तब वो व्यक्ति जो है व्यवहार कुशल कहलाता है। तो कुल मिलाकर के ये बात कही जाती है व्यवहार कुशल होने के साथ में व्यक्ति का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। व्यवहार कुशलता का ये सबसे बड़ा जो मापदंड है वो जो काम व्यक्ति को अच्छा जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से व्यक्ति को जो क्या क्या अवगुण है जो व्यवहार कुशलता को जो है वो खराब करते हैं वो ये है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात कहे उसके पहले आपने क्रोध करके उसकी बात को काट दिया तो आप व्यवहार कुशल नहीं है, कम से कम आप उसकी बात को सुनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे आजकल टेलीफोन का युग है, एक व्यक्ति 10 बार फोन करता रहे और आप उसको 1 बार भी जवाब ना दो ये व्यवहार कुशलता का अवगुण है। ये ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो। मान लीजिए आप बिजी हो और उसका फोन आ गया,
तो आप जो है वापस जवाब दो कि मैं बिजी होने का ना आपको जवाब नहीं दे सका, या आप जो उसको SMS से WhatsApp के माध्यम से जो कोई भी बात है उसका जो है बात का जवाब भेज दो, तो वो भी एक रिप्लाई जैसा हो जाता है। तो व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है फ़ोन को अटेंड करने वाला व्यवहार कुशल है। और व्यवहार कुशलता का एक ये है कि हर परिवार के अंदर सुख दुख की स्थितियाँ आती है, तो कई बार क्या है कि कोई हमारे नज़दीकी लोग होते हैं वहाँ पे उन सुख दुख को बांटना पड़ता है। यानी नज़दीकी व्यक्ति के घर के अंदर मान लो गमी हो गई तो हमें निश्चित रूप से पहुँचना चाहिए, चाहे थोड़ा समय रुको लेकिन आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। और किसी व्यक्ति के घर में खुशी का माहौल शादी का है तो भी आपको पहुंचना चाहिए। ये बात अलग है, 3 दिन का प्रोग्राम है, आप 3 दिन नहीं रुक पाते हो, 1 दिन रुकिए, कुछ समय रुकिए, लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है इस बात की द्योतक है कि आप व्यवहार कुशल हो और वो आपने अटेंड कर लिया है। ये व्यवहार कुशलता के गुण हैं। तो भाई और बहनों, अब निष्कर्ष रूप के अंदर आज इस एपिसोड को जो है मैं जो है ऑडियंस के सामने जो है ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, और इसकी सोशल यूटिलिटी और इसकी व्यवहार इसकी जो है वो मैं मापदंड माप करना चाहता हूँ, कसौटी पे कसना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज का व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है। नहीं होने का कारण ये है कि व्यक्ति के अंदर झूठ की भावना बहुत आ गई है, स्वार्थ की भावना बहुत आ गई है, व्यक्ति बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। व्यक्ति की भावना ये हो गई है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे। जहाँ स्वार्थ की भावना आती है वहाँ पे व्यक्ति व्यवहार कुशल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हर क्षण हर वस्तु में अपना स्वार्थ देखेगा, वो दूसरे की परवाह नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है लंबे समय तक व्यवहार कुशल हो भी नहीं सकता, और वो समाज के लिए तो काम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ में तो स्वार्थ देखेगा और हर चीज़ में वो पैसे को देखेगा, तो वो व्यक्ति कैसे व्यवहार कुशल हो सकता है। और आजकल जो हम जितने भी समाज में बुराइयां देख रहे हैं उसका एक कारण भी है कि व्यवहार कुशलता घट रही है। और आज हम देख रहे हैं कि माँ ने जो है अपनी बेटी को मार दिया, बेटी ने माँ को मार दिया, और बेटे ने पिता को मार दिया, और किसी ने वो धोखा कर दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने कभी सुनी नहीं है, और आजकल हर चीज़ संभव है। इतनी बुरी से बुरी चीज़ होती जा रही है, रेप के मामले देखो, आतंकवाद के मामले देखो, फिरौती के देखो, और ये सब चीज़ों का कारण क्या है कि व्यक्ति में व्यवहार अकुशलता आ रही। वो समझता नहीं है कि मेरे साथ में अगर ऐसा घटित हो जाए तो मुझे कितना तकलीफ होगा, तो मैं ऐसा कष्ट किसी से क्यों दूँ। जहाँ पे व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो है ये भावना जो है एक सहनशीलता की भावना या अच्छे इंसान की भावना नहीं आती तो व्यवहार कुशल नहीं बनता है। और व्यवहार कुशलता न होने के कारण ही आज व्यवहार के अंदर इतने उतने दूषण आ रहे हैं, इतनी इतनी कमियां आ रही है। इसकी हमें पुनर्प्रतिष्ठा करनी है कि हमें व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना है, व्यक्ति के अंदर जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को पैदा करना है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर हम व्यवहारिक सूत्र भी देते हैं और निश्चय के सूत्र भी देते हैं, आत्मकल्याण के भी देते हैं, और हमारा व्यवहार का जगत कैसे अच्छा हो उसके भी अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको हृदयंगम करोगे, आत्मसात करोगे, तो आपका जीवन, व्यवहार जीवन भी अच्छा होगा, और आपका जो हमारा अध्यात्म जीवन में वह भी अच्छा होगा, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। इसीलिए दोनों तरह के हम सूत्र देते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।